अशोक जी भी आ गए बोलने। बहुत टेस्टी, बहुत लून। कैसा है लून? मतलब हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से। सुबह से लगी हुई थी घर के कामों में, घर के काम ही खत्म नहीं होते यार। पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे को ही इतने काम है या सभी को होते हैं। वैसे सभी को ही होते हैं इतने सारे काम, लेकिन उन सभी कामों में लगी थी और अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। वैसे मैंने सुना है कि सुबह सुबह जल्दी नहाना चाहिए, लेकिन आजकल तो ठंड है यार, ठंड में कौन रोज़ रोज़ नहाता है। नहीं, नहाना तो है मुझे, लेकिन अभी नहाऊंगी। अब जाके मैं नहाऊंगी और फिर रेडी होती हूँ, फिर मुझे जाना है बैंक वगैरह। तो आज मेरे करने और मौसम आज ऐसी है, बादल सा है। मैं अभी दिखाती हूँ, धूप भी है, हल्की हल्की सी धूप है, बादल भी हैं और सभी को है इंतज़ार कि बर्फ़बारी आएगी कब आएगी। लेकिन कोई पता नहीं है कब आएगी बर्फ़बारी, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है क्योंकि अब तो ना मतलब एक दिन बाद, दो दिन बाद, कल लोहड़ी है और उसके अगले दिन है साजा, जो बोलते हैं हमारे माघ का साजा। हम तो फ्रेंड्स अब जाके मैं ना आई हूँ और अब जाना है मुझे बैंक। बैंक जा रही हूँ मैं, डांट पड़ जाएगी अगर आज काम नहीं हुआ तो। फटाफट चलती हूँ बैंक, यहीं जाऊँगी अपने जगात खाना वाले बैंक जाना है मुझे। फटाफट जाकर जाके आती हूँ, तब तक अनुराग भी आ जाएगा। 3:30 बज गए हैं अभी। ये आ गई है अनुराग की स्कूल की बस, वो जा रहा है अनुराग ऊपर, वो चला भी गया, उसे देखा ही नहीं। चलो हमको हमारे दीदी, हमारे लिटिल मास्टर भी पहुंच चुके हैं घर, जिन्होंने कि हमें रास्ते में नहीं देखा। देखा आपने मेरे को? कहां नहीं देखा? मैंने तो आपको देख लिया था आते हुए ऊपर। कब? अभी जब आप आए। कौन से रास्ते? जब आपकी बस रुकी थी रोड में, फिर मैंने आपको उतरे हुए देखा। कहां से? उतरते हुए नहीं देखा, ऊपर आते हुए देखा मैंने। कहां से? मैं बैंक गई थी और दीपू भैया की दुकान के पास मासी और मैं बात कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे आपने नहीं देखा? तो फ्रेंड्स अनुराग को एग्ज़ाम के पेपर भी मिल चुके हैं। कुछ पेपर इसको कल परसों ही मिल गए थे और एक पेपर इसका आज। मैंने बोला ना ये पढ़ो, तभी पढ़े ये मार्क्स आपने, तभी आए ये मार्क्स आपके। ठीक है, जब मैंने बोला ये क्वेश्चन पढ़ो। सारी पढ़ाई मैंने करी, लिखा मैंने अपने हाथ से, याद मैंने किया, फिर आप बोल रहे हैं मेरी वजह से आए तेरे मार्क्स। क्यों? जब मैंने बोला ना, आपने तो बोला कि ये पढ़, मैंने पढ़ा खुद दिमाग में, मैंने खुद अपने याद किया, फिर आप बोल रहे हैं मेरी वजह से आए। मेरी जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो बोलते मेरी वजह से आए, जब बुरे मार्क्स आते हैं तो बोलते पढ़ना नहीं तुमने, फिर मैं बोल रही थी तब, फिर ऐसे बोलते हैं। ये तो खप्पी हो गई अनुराग, तो मेरी बोलती बंद करा दी। फटाफट अनुराग को भेज रही हूँ मैं दूध लेने के लिए। बाल्टी दी हुई है, आपने दूध लेके आना है बस, अंकल की दुकान में है बाल्टी दी हुई, दूध लाना है। और अनुराग बोल रहा है कि आज हम ना चूल्हा जलाएंगे और चूल्हे पे खाना बनाएंगे, तो देखते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि कल अनुराग की छुट्टी है वैसे भी, तो चलो कर लेते हैं ये, क्योंकि चूल्हा इतने दिनों से लाया है हमने और हम उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो आज हम सोच रहे हैं कि आग जलाते हैं। आग जलाने के लिए पहले हम करेंगे लकड़ियाँ इकट्ठी, उसके लिए देखते हैं कहाँ कहाँ से ढूंढनी पड़ेगी। मैंने इधर रखी थी लकड़ियाँ, ढूंढती हूँ उनको पहले। अनुराग को सिर्फ होता है कि बस आज ही बनाओ मम्मी खाना, इसमें आज ही बनाओ। कितने काम होते हैं उससे पहले, अंधेरा हो जाएगा, लाइट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। लो इतनी रोशनी, इतनी रोशनी कहाँ से हो रही हूँ अपनी लोहे की कढ़ाई, जिसको भी मुझे चूल्हे पे यूज करना है। ये अनुराग क्या करता है, दूसरों को काम में फंसा देता है कि चलो मम्मी आप ये कर लो वो कर लो, और खुद गायब हो जाता है। हाँ खाना है इसको, खाना है बस, इसके चूल्हे पर काम नहीं करना इसने कोई भी, कि मैं मजदूरी कर लूँ कुछ और, कुछ नहीं तो वीडियो ही शूट कर लूँ, अब कुछ निकलेगा नहीं दुकान से। बंद करके तो नहीं बैठा है कि। तो फ्रेंड्स हमने सारी तैयारियां कर ली है, लकड़ियां भी ला दी, चूल्हा भी लगा दी है, बैठने के लिए जगह भी बना दी। पहले मैंने सारा पोचा लगाया यहाँ पे, फिर हमने लाइट्स का जुगाड़ किया और फिर नीचे एक स्लेट रखी है मैंने, ताकि थोड़ा सा सेफ हो, मतलब आग नीचे गिरे भी तो टाइल पे एकदम ना जाए। वैसे तो ये टाइल पक्की है, फिर भी मैंने थोड़ा सा रखा है। और अब हम जलाएंगे चूल्हे को, जलाने से पहले हम करेंगे चूल्हे की थोड़ी सी पूजा, जैसे कि हमारे रिचुअल्स होते हैं कि कुछ भी नई चीज़ को यूज़ करने से पहले उसकी पूजा करते हैं, वैसे ही हम अपने चूल्हे की आज करेंगे थोड़ी सी पूजा, हल्की सी पूजा करेंगे और उसके बाद दूध बॉयल करेंगे। अनुराग करेगा दूध बॉयल, मैं सब्जियाँ वगैरह काटूंगी और फिर तैयारियाँ करूँगी। अनुराग की आज ड्यूटी है आग जलाने की और दूध बॉयल। तो हम सबसे पहले करेंगे अपने चूल्हा की पूजा, थोड़ी सी तिलक लगाएंगे और होगी हमारी चूल्हे जी की पूजा। ये अनुराग को खिलाएंगे, मीठा मुंह करेंगे अनुराग का।
अब हम जलाएंगे इसमें आग। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे हम लकड़ियां आम की, जो कि शुभ मानी जाती है। आम की लकड़ियां अनुराग ने इकट्ठी करके लाई है, ये लकड़ियां। अभी देखते हैं आग जलती है हमारी या नहीं। वैसे तो जल जाएगी, सूखी है लकड़ियां, बारिश तो हुई नहीं है, गीली तो हुई नहीं। चलो आसानी से ड्यूटी है, अनुराग की ड्यूटी है आग जलाने की। अनुराग जला रहा है आग, देखते हैं जरा इससे जलेगी या नहीं जलेगी। यहाँ थोड़ी सी हवा भी आती है, देखते हैं अभी। ये तो एकदम जल जाएगा, ऐसा कल तक भी नहीं जलनी है आग, मेरे को लग रहा है अनुराग। अरे जलेगी, रुको आप। चलो देखते हैं अभी स्ट्रगल अनुराग का आग जलाने का, फटाफट नहीं जलाऊंगा। जलाएगा अनुराग ही आग, तब तक मैं जाऊँ फिर सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। दूध तो लाओ फिर इधर, दूध तो इधर ही है, पतीला रखा है। देखो जल्दी आ, बड़ी मुशक्कतों से अनुराग से आग जल गई है। अब मैंने भी हल्की अनुराग की आग जलाने में, और अनुराग को अभी आती नहीं है, पहली बार जला रहा है अनुराग आग। पहली बार नहीं, ऐसी तो आती है अनुराग, लेकिन चूल्हे में नहीं आती। देखो आग के अंदर। अब अनुराग बॉयल करेगा दूध यहाँ पे। लिया हमने ये पतीला निकाला काला पुराना स्टोर से, ताकि बर्तन काले ना हो। अभी इतना समय नहीं है कि इसमें हम राख वगैरह लगाएं। मम्मी रुको, पतीला पहले इसमें दूध तो डाल दो। यहाँ डालो ना, बुझ जाएगी गलती से अगर उधर गिर गया तो। डरपोक, चल इधर ही डाल ले। ये तो खोलो। मैं डाल दूं? मेरे नाक खुलनी है, खोल ले। ये डाल दिया हमने दूध पतीले में, और अनुराग की ड्यूटी है इसको बॉइल करना। जी थोड़ा भी गिरा ना, वैसे तो बोलते हैं कि दूध बॉइल करके गिराना चाहिए, अग्नि भगवान को, अग्नि देवता जी को वो लगता है प्रसाद। लेकिन हम नहीं बॉइल करेंगे, हम नहीं गिराएंगे, हम अग्नि देवता जी को ऐसे प्रसाद लगा देंगे, ऐसे ऐसे, वरना हमारी आग बुझ जाए। और अब अनुराग और लकड़ियाँ लगाओ उसमें, और अब अनुराग बॉइल करेगा, और तब तक हम सब्जी सब्जी की तैयारी करेंगे। अशोक जी भी आ गए, आज क्या हुआ बिल्कुल? आज क्या हुआ? पहली बार लाइफ में नाम ले रहे हो तुम मेरा। ओ नहीं नहीं, वैसे तो ले लेती हूँ, नाम लेने के लिए ही होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लोग धुआं नहीं लगना चाहिए ज्यादा, धुएं की स्मेल भी आती है खाने से। फिर अंदर अंदर मत डाल लकड़ियां, बाहर बाहर रख। तो फाइनली हमारी आग जल चुकी है, और दूध हमने बॉइल करने को लगा दिया है, और अनुराग करेगा बॉइल। मैं ढक्कन ला के देती हूँ, ठीक है अनुराग? ठीक है, इधर तो देख लो। जो मेरे को लगा कि ये चीजों की जरूरत है वो सारी ला दी है। अब बनाएंगे हम सब्जी, पहले हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल कम नहीं डाला है, थोड़ा फ्राई करना है इसमें गोभी को। थोड़ा ऑयल और डालते, शुद्ध सरसों का ऑयल। और ये डाल दिया है, क्या डाल दूंगी अभी? पहले हम गोभी को थोड़ा फ्राई करेंगे। कितना जल्दी गर्म हो जाता है ना, इसमें टेस्टी सब्जी बनने वाली है। टेस्टी सब्जी आ जाएगा, देखो हमने गोभी भी है। हाँ फटाफट फ्राई हो गया, फिर देखो रंग आने लग गया। मैं तो आलस मारी थी, तो अनुराग की वजह से आज बन गई सब्जी। मैंने तो सोचा था पहले मैं गजरेला बनाऊंगी। हाँ जी, अब तो अनुराग की वजह से बन गया, दूध बॉईल करके बन गई सब्जी। ये देखो फ्राई होगी ना, फटाफट कर रहे हैं हम भी। नहीं सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं। आज तुम शेफ, आज हम आराम से खाएंगे खाना, आराम से कर देंगे। हम तो आज चूल्हे का बना हुआ खाना खिलाएंगे, अच्छा होता है, गैस की बचत। यदि गैस महंगी हो जाए तो यही उपाय करे सब, खरीदने को मिल जाते हैं चूल्हे। कितने के था ये हमारे वाला? गांव में तो बने होते हैं चूल्हे। हाँ गांव में तो होते हैं, खुद भी बन जाते हैं वैसे, शहरों में। चलो आलू को तेल जो डाला तुमने, कुछ नहीं हो गया, ये फ्राई करने हैं। चले गए आलू भी, डाल दो सारे एक बार। ये डाला हमने जीरा, और ये गई हमारी प्याज। एक मिनट में पक जाएगा ये। इसमें टमाटर, काली काली सब्जी, पहले
अच्छी लग रही है देखने से, इतनी बढ़िया लग रही है खा के, तो और भी अच्छी होगी है ना। आज तुम बात क्या अच्छी नहीं होगी, बीबी बोलेंगे बहुत टेस्टी है, अच्छी बनेगी फर्स्ट टाइम आ वाला खाना। ये ढक दी हमने सब्जी, अब देखें खाते हो सब्जी आपको कड़ी है ना। फिर अनुराग भी कैसे चल रहा है, आज भी सीख रहा है, सीख लग रहा है। नहीं तो अनुराग नीचे जाता है दीदी के पास सीखने। फाइनली हमारी सब्जी हो चुकी है रेडी, मैं गई बर्तन वगैरह धोने के लिए ऊपर, और थोड़ी सब्जी नीचे लगा दी है, हल्की सी टेस्टी होती है पर ऐसे ऐसी खाने के लिए। नहीं नहीं ठीक है, वो ढक्कन थोड़ा छोटा पक चुकी है, और थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा क्रैक, कुछ नहीं हुआ क्रैक, तो फिर एक बार हो ही गया, एक बार तो मैंने यूज़ करना ही है, धो के रखा था मैंने ये, अब इसमें ऑयल लगाना है और फिर ये हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा लगाओ, पैसा वसूल करना है, पैसा थोड़ा थोड़ा लगाओ, थोड़ा बोला नहीं। ये बन गया हमारी पहली रोटी, चकला आदत नहीं रही यूज़ करने की, हम शेल्फ पे ही बनाते हैं ना। दूसरा था मेरे पास एक सनमाइके वाला, पता नहीं कहाँ ढूंढना, सनमाइके वाला, संगमरमर वाला तवा हो गया हमारा गर्म, तो एक दो यहाँ पीछे से जलने लग गया। ये गई हमारी पहली रोटी, अनुराग बोल रहा है तवे पे टूटे तवे पे कैसे बनेगी, मैंने तो भाई एक बार तो बनाऊंगी ही बनाऊंगी टूटे तवे पे रोटी। ये फूला थोड़ा फट गया, बढ़िया बन गया, गर्म गर्म खा ले, अभी रुक जाओ थोड़ा बनाओ अभी एक दो, काहे में रखेंगे, मैंने बोला था लाना कुछ रखना, पहली रोटी से भगवान जी को प्रसाद, इसमें उसमें रखूँ। अच्छा यहाँ लो अनुराग, अनुराग ने तो धावा बोल दिया, अब खाने पे आई गर्मा गर्म। तंदूरी फुल्का, तंदूरी वाह गर्म गर्म, बड़ा गर्म है। दूसरा वाला फुल्का लूँ, ये वाला बहुत गर्म हो गया, गर्मा गर्म खाओ तो अभी गर्म ही है, देख लो दूसरा ले, दूसरा ले लो, ये अभी तो बन नहीं है, ये बहुत गर्मा गर्म है, ये वाला ठीक है। कैसे बनाए, कुछ अलग टेस्ट है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, फुलका तो एकदम अच्छा सा लग रहा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, लून लून मतलब लून कैसा है, लून बहुत टेस्टी, बहुत लून कैसा है, लून मतलब लून लून तो नहीं कम नमक, हाँ ठीक है बिल्कुल बढ़िया, ओके खाना एकदम बढ़िया। अब हम इसी पे बनाया करेंगे शाम को, बहुत टेस्टी फुल्का है, दीदियों को भी लाया, नीचे से आ जाओ, वो रोटी खाने गर्मा गर्म। अच्छा छोटी दीदी भी आ गए हैं अब खाना खाने के लिए, अनुराग ने बुलाया दीदी को, जबरदस्ती टेस्ट करने आओ दीदी खाना, हाँ मैं टेस्ट करने आई हूँ खाना, चूल्हे का खाना कैसा है बताओ, खा के खुशबू इतनी अच्छी आई थी ना जब आप बनाए थे, टेस्टी बनाए नमक ठीक है, ठीक है, अलग सा टेस्ट होता है चूल्हे का खाने का ना, मेरे शाम हम बनाएंगे, हम खाना भी यहीं खा रहे हैं आग के पास ही, अनुराग ने तो खा लिया है और हम भी खा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है खाना खाते हुए, सब्जी का टेस्ट टेस्टी है ना, मज़ा आ गया, जल्दी भी बन गया ना आज तो, टाइम से हमने टाइम से पहले आ गए हम, खा भी दिया हमने यहीं बैठे बैठे, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, इसी के साथ हम खा लेते हैं खाना, और आपने हमारा ब्लॉग इंजॉय किया होगा, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें,
मिलते हैं और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।